أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अल्लाह उन लोगों का दोस्त है जो ईमान लाए, वो उन्हें अंधेरों से निकालकर यानी कुफ्र और शिर्क के अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ यानी इस्लाम की तरफ ले आता है, और जिन्होंने कुफ्र अख्तियार किया है उनके दोस्त तागूत हैं जो उन्हें रोशनी से निकालकर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ऐसे ही लोग अहले जहन्नम हैं और वो हमेशा رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم पहली बात तो उन्होंने ये की कि ये अपनी गिनती को वापस करें, माइनस करें। अजीब बात है। फिर कहते हैं कि तेजाद और तारुस तसाबुत। भाई पहले आप सोच लें कि आप भूल जा रहे हैं, ठीक है ना। ये फिर बदशाह राजदी मुकाशिफे का लफ्ज इसके अंदर मौजूद है, मुकाशिफे का लफ्ज इसके अंदर मौजूद है। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से अहले हदीस की जो शान नकल की है ना, वो ये नकल की, ठीक है। अल्लामा इब्ने तैमिया और इब्ने तैमिया की किताब मैंने अकीदतुल ये अकीदा वास्तिया से मैंने आपको दिखाया कि उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि अहले सुन्नत वल जमात के उसूलों में से क्या है कि मुकाशबात की तस्दीक की जाए। चले मैं इसकी थोड़ी सी और वजाहत कर देता हूँ। ये अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब की किताब है। ये भाई नहीं समझते ना कि कशफ से उनकी क्या मुराद है। कशफ से मैं उनकी बहस में नहीं जाता, मैं सिर्फ इनको बतौर तशरी अल्लामा आप तो ये अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब ने जो नकल की है ना पीछे नीचे, ये देखिए पहली नौ की मिसाल जैसे कोले उमर या सारिया जबल, यानी ए सारिया पहाड़ पे चढ़ जाओ। हालांकि उमर मदीने में थे और सारिया मशरिक में थे, और सारिया कहाँ थे? मशरिक में। हजरत उमर मदीने में हैं, सारिया मशरिक में हैं, तो हजरत उमर को कैसे पता लगा? हजरत उमर को कैसे पता लगा? तो ये इनके अब्दुल्ला नासिर रहमानी खुद मुकाशबे की क्या कर रहे हैं? वजाहत कर, खुद वजाहत कर रहे हैं ना। ये वो क्या है? यही है कि भाई एक बंदा मौजूद नहीं है, अल्लाह ने उसे इल्म दे दिया कि भाई वहाँ ये बात हो रही है, ये बात हो रही है, ठीक है। ये जो कह रहे हैं ना कि माइनस करें, ये ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो हवाले पेश किए वो दोबारा इस पर नजर सानी कर लें। दूसरी बात, हमारे कितने हवाले हुए थे भाई? हमारे हवाले 40 हवाले। ये देख लीजिए, ये मैं आप हवाला पेश कर रहा था मसला हयातुल नबी मौलाना मोहम्मद इस्माइल सलवी साहब, इसकी भी ज़रा इबारत सुन लीजिए और थोड़ा गौर से सुनिए, सुना कीजिए। जिन लोगों पर इबादत व नेकोकारी के नतीजे में अल्लाह ताला के बाद छुपे हुए इसरार खोल दिए गए, बाद छुपे हुए इसरार खोल दिए गए हों, और हयातुल नबी के बाप में उन पर कुछ मुनकशफ हुआ हो, उन पर कुछ मुनकशफ हुआ हो, वो उनके अपने लिए है, आवाम के लिए नहीं। यानी ये मान रहे हैं कि अल्लाह के बाद बंदों पर बार बातें क्या होती हैं? मुनकशफ होती हैं। क्या होती हैं? मुनकशफ होती हैं। ये कितने आलिम हुए भाई इनके? 41 उलमा, ये सारे के सारे काफी।
इसी तरीके से ये अब्दुर्रशीद इराकी साहब, ठीक है, अब्दुर्रशीद इराकी साहब इनके आलिम हैं, ये एक किताब है इमाम इब्ने तैमिया और उनके तलामिज़ा, इनके अंदर लिखते हैं कि कशफ व करामात और फिरासत, कशफ व करामात और फिरासत, ये अल्लामा इब्ने तैमिया के मुतालिक लिखते हैं कि इमाम साहब की ज़िंदगी के मुस्तनद वाक़ियात इसकी शहादत देते हैं कि उनके अंदर कशफ व करामात और फिरासत की कैफियत कामिल तौर पर पाई जाती थी, कामिल तौर पर पाई जाती थी इसके अंदर अल्लामा इब्ने तैमिया, ठीक है, ये कशफ को मान रहे हैं। कितने हवाले हुए भाई, ये 42 हवाले, ये 42 के 42 क्या बन गए इनके नज़दीक, काफिर बन गए, ये 42 के 42 जी अल्लामा इब्ने तैमिया काफिर हो गए, अल्लामा इब्ने हजर काफिर हो गए, काजी शौकानी काफिर हो गए, सनाउल्लाह अमरसरी काफिर हो गए, मियां नज़ीर हुसैन साहब देहलवी काफिर, ये सारे के सारे अब्दुल्ला नासिर रहमानी काफिर, ठीक है, इनके जो उलमा कशफ को मान रहे हो जिनके मुतालिक इनकी इन्होंने आज लिख कर दिया कि कैसा अकीदा है कुफ्रिया, ये सारे के सारे इनके काफिर। एक चीज़ तो ये, दूसरा अब मैं आपके सामने जिक्र इस बात को वादे करता चलूं, जैसे मैंने पहले कहा था कि सिद्दीक रज़ा साहब ने जो आज अकीदा लिख कर दिया है ना, वो अहले सुन्नत से हटा हुआ है, वो अहले सुन्नत से हटा हुआ है और खुद अकाबिर उलमाए अहले हदीस के नज़रिए और अकीदे से भी हटा हुआ है, उनके अकीदे और नज़रिए से भी हटा हुआ है, फिर किसका अकीदा है भाई, ये फिर किसका अकीदा है, उसकी भी वजाहत कर दी। ये किताब है आईना परवेजियत, या किताब है आईना परवेजियत, मुनकरीन हदीस का रद है जी, और किसकी लिखी हुई है, इनके अपने आलिम, इनके अपने आलिम की, मौलाना अब्दुर्रहमान गिलानी साहब, वो यहाँ परवेजी साहब ये वो ग़ुलाम अहमद परवेज के मुतालिक लिखते हैं कि उन्होंने एक बात लिखी है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एक अकीदा ये भी वज़ा किया गया कि वही जली तो अल्फाज ही नाजिल होती थी लेकिन वही खफी को सिर्फ ख्यालात की शक्ल में लिखा किया जाता था, इस एतबार से इस वही को इल्हाम कहकर पुकारा जाता है, क्या कहकर पुकारा जाता है, इल्हाम कहकर, और यही इल्हाम है जिसके मुताबिक कहा जाता है कि इसका सिलसिला रसूल के बाद भी जारी है, जिसके मुतालिक क्या कहा जाता है, इसका सिलसिला रसूल के मुतालिक भी जारी है, इस अकीदे को कह रहे हैं कि ये वज़ा किया गया है, कौन कह रहे हैं, ग़ुलाम अहमद परवेज साहब कह रहे हैं, उनकी इबारत कौन नकल कर रहे हैं, इन्हीं के अपने एक आलिम नकल कर रहे हैं जी, आपको दे देंगे मौलाना अब्दुर्रहमान गिलानी साहब, यानी अब्दुर्रहमान गिलानी साहब परवेज, ग़ुलाम अहमद परवेज, मुनकिरीन हदीस, वो भी इस इल्हाम के अकीदे को क्या कह रहा है, जी क़यामत तक रहेगा, ये अकीदा कैसा है, ये अकीदा लड़ा गया है, ये अकीदा वज़ा किया गया है, ठीक है, किसका अकीदा मालूम हुआ, ये ग़ुलाम अहमद परवेज है। इसी तरीके से हमारे पास ये रूहुल मानी, इस रूहुल मानी के अंदर इन्होंने इबारत नकल की है किसकी, अल्लामा ज़ुमख़्शरी रहमतुल्लाह ज़ुमख़्शरी की, जो तफ़सीर कशाफ़ वाले, तफ़सीर कशाफ़, ये कौन है, ये मुअतज़िला, कौन है भाई, मुअतज़िला, ये भी एक गुमराह फ़िरका है, जैसे मुनकरीन हदीस गुमराह फ़िरका है, ऐसे ये मुअतज़िला भी क्या है, गुमराह फ़िरका है। ये लिखते हैं कि अन्न फ़ी हाज़ा इब्तादुल करामात इब्तादुल नबिया मा काना मिनल इज़हार अला ग़ैब लिअन्न अल्लज़ीना तुज़ाफ़ु इलैहिम इन कानू औलिया मुर्तज़िला फ़लैसु बिरुसुलिन, इसमें करामतों का इब्तिदा है और करामतों की किस्म में से एक किस्म ये है कि एक किस्म क्या है, माकाना मिनल इजहारी अलल गैबी, एक किस्म यह है कि गैब पर मुत्तले फरमाना, जिसकी वजाहत ये औलिया की तरफ करते हैं, ये औलिया अल्लाह ताला के अगरचे पसंदीदा हैं लेकिन ये रसूल नहीं, ठीक है, ये इन्होंने जो ये आयत बार बार पेश कर रहे हैं ना कि जी इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, वही आयत किसने पेश की है, तफ़सीर कशाफ के अंदर ये मुअतज़िला ने पेश की, और वही अकीदा जो आज सिद्दीक रज़ा साहब बता रहे हैं वही किसका है, मुअतज़िला, मुनकिरीन हदीस का भी वही अकीदा और मुअतज़िला का भी वही अकीदा, और अहले सुन्नत वल जमात इसके अकीदे के कायल हैं, और इसी तरीके से अकाबिर उलमा जो इनके हैं अपने अकाबिर उलमा अहले हदीस वो किस अकीदे के कायल हैं, वो भी कशफ। तो मालूम हुआ सिद्दीक रज़ा साहब ने जो अकीदा लिख कर दिया है वो किसका है भाई, मुअतज़िलों का है, और इसी तरीके से मुनकिरीन हदीस का है, अहले सुन्नत वल जमात का नहीं, अहले सुन्नत वल जमात का नहीं। ये मेरे पास रूहानी खजाइन है, क्या है भाई, रूहानी खजाइन का ये रूहानी खजाइन, ये कादियानियों की किताब है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी से, ठीक है, ये जो आयत है सिद्दीक रज़ा बार बार पेश कर रहे हैं ना, सिद्दीक रज़ा साहब बार बार पेश कर रहे हैं कि ला युज़रु अला ग़ैबी, ला युज़रु अला ग़ैबी, आयत पेश कर रहे हैं, यही आयत इन्होंने भी पेश की है ग़ुलाम अहमद परवेज़ में,
یہ لکھتے ہیں ذرا سن لیں, یہ ضرور یاد رکھو کہ اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائیں گے جو پہلے نبی اور صدیق پا چکے ہیں, پس منجملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں وہ پیشن گوئیاں ہیں جن کی روح سے انبیاء علیہ السلام نبی کہلاتے رہے. لیکن قرآن شریف بجز نبی بلکہ رسول ہونے کے دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے, دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے, جیسا کہ آیت اللہ ضرور سے ثابت ظاہر ہے. بس مصفہ غیب پانے کے لیے نبی ہونا ضروری ہوا. اب یہ آگے یہی بات کہتا ہے, یہی آیت پیش کی کہ بھائی غیب کی بات صرف کس کو ہوتی ہے, اللہ صرف نبی کو اس پر مطلع فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اب مجھے مطلع فرمائے تو مجھے نبی مان لو بقول غلام پرویز صاحب, یعنی یہ جو قادیانی ہے. تو دیکھیں اب انہوں نے جو عقیدہ ہمارے سامنے رکھا ہے, ان کا جو عقیدہ ہے وہ کس کا ہے, معتزلہ کا ہے, قادیانیوں کا ہے, اور ان کا ہے منکرین حدیث کا ہے, منکرین حدیث کا ہے. تو میں آج آپ احباب کو دعوت فکر دوں گا, آپ احباب کو دعوت فکر دوں گا کہ بھائی دیکھیں صدیق رضا صاحب نے جو عقیدہ لکھ کر دیا ہے وہ عقیدہ تو منکرین حدیث کا ہے, وہ عقیدہ تو معتزلہ کا ہے, وہ عقیدہ تو قادیانیوں کا ہے. غلام احمد پرویز نے, غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن میں یہ آیت پیش کر کے لکھا ہے. اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے, بلکہ اس پر تو انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا. یہ پہلے میں نے آپ کے سامنے مسلک واضح کیا کہ جو عقیدہ صدیق رضا صاحب نے لکھا ہے وہ کس کا ہے, اور جو عقیدہ ہم نے لکھا ہے وہ کس کا ہے. یہ پہلے میں نے آپ کے سامنے عقیدے کی وضاحت کی کہ اس کا یہ عقیدہ جو ہے, ہم نے جو عقیدہ پیش کیا وہ کس کا ہے, اور انہوں نے جو عقیدہ پیش کیا وہ ٹھیک ہے. اور ان کے جو 41 علماء ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے, وہ سارے کے سارے کافر. مومن اور مسلمان بچے تو صدیق رضا صاحب, ٹھیک ہے, مومن اور مسلمان. باقی سارے کے سارے وہ جو ہیں اپنے قادر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب ہو گئے, اور اسی طریقے سے قادر شوقانی, ثناء اللہ احمد سلیم, علامہ ابن تیمیہ, آج تو ان کو بھی انہوں نے قابل بنا دیا بھائی, علامہ ابن تیمیہ جن کے نام پر یہ مسجد اور مدرسے بنایا کرتے ہیں, ان کے جو ہے وہ بھی آج قابل ہو گئے. علامہ ابن تیمیہ, علامہ ابن حجر جیسا بندہ, اس کو قرآن کا پتہ نہ لگا, علامہ ابن تیمیہ کو قرآن کا فہم معلوم نہ ہوا, معلوم ہوا تو کس کو ہوا, صدیق رضا صاحب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بعد. میں نے کہا نا کہ قرآن کی آیت نہیں آئے گی, کہتے ہیں پڑھوں گا 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 ہی رہے گا, آیت نہیں پڑھ سکتا. میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو میں نے اپنا عقیدہ پیش کیا اس تحقیق جو الحمد للہ قرآن مجید سے ثابت ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, اے اللہ کے نبی یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو وحی کر کے بتاتے ہیں. تم کو یہ ایک آیت دکھاؤ کہ اولیاء اللہ کو غیب کی خبر بتاتے ہیں, یہ کتنی آیت ہو گئی جناب, تین ہو گئی. دو اس سے پہلے میں دو مقامات پڑھ چکا تھا, اور یہ آیت اس کے علاوہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ہذا. اے نبی یہ غیب کی خبر ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں, پہلے آپ اس کو نہیں جانتے تھے, آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی, پہلے اللہ نے آپ کو بتایا پھر آپ اپنی قوم کو بتایا. یہ سناب سورہ ہود آیت نمبر 49 ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف, نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک من ھذا القرآن, ہم قرآن میں آپ کو پڑھ کر سناتے وحی غیب کی خبر دیتے ہیں. یہ کتنی آیات ہو گئی جناب والا, چار آیات ہو گئی, اور چار پانچ آیات ہو گئیں, اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت, ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک ما کنت لدیہم اجمعوا امرہم وہم یمکرون, سورت آیت نمبر 102. چھ آیات ہو گئی جناب والا, اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ جن میں فرماتا ہے عالم الغیب, یہ آیت میں پہلے پڑھ چکا تھا. یہ پانچ چھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, مزید تلاوت کروں گا کہ وحی غیب کس کو اطلاع ہوتی ہے, انبیاء کو. کہتا ہے یہ پرویز کا عقیدہ ہے, حالانکہ پرویز کے الفاظ میں یہ عقیدہ نہیں دکھا پائے گا, اس نے الہام کا انکار کیا ہے, اور اس نے یہ نہیں کہا کہ از غیر نبی کی طرف الہام کا بھی, بات صرف الہام کی نہیں, الہام کے ذریعے عقیدہ اطلاع غیب کی.
मैं इल्हाम, मैंने कहा लिखा है कि इल्हाम का इनकार करता हूँ, मैं इस बात का इनकार करता हूँ कि इल्हाम के जरिए गैब की इत्तला होती है। परवेश से अकीदा तो लिखाओ, फिर मिर्जा तो कशफ कशफ करके ही तो नबी बना था, और फिर जनाबे वाला कहता है कि ये परवेश का अकीदा है, ये परवेश का मैंने पढ़ के सुना है, इसने कहाँ लिखा है कि इल्हाम के जरिए गैब का इल्म नहीं हो सकता, और मिर्जा तो कशफ का कायल था, मिर्जा कशफ का कायल था जैसे आप कशफ के कायल हो। अब उसके बाद सुने, ये इनके एक मौलाना ममातियों ने सरफराज खान को तंज किया कि ये अकीदा तो नईमुद्दीन का है, तो साहिब तस्कीन सुदूर यानी मौलवी सरफराज खान जवाब देते हैं, अगर इस मसले में मौलवी नईमुद्दीन भी साफ हो गए तो कोई हर्ज नहीं। खुद मौलिफ मस्कूर के एक मकाम पर लिखते हैं, किसी सुन्नी का किसी एक मसले में किसी गैर सुन्नी के साथ मुत्तफिक होना उसको सुन्नी होने से नहीं निकाल सकता। अगर कोई सुन्नी सच्ची बात मानता है तो इनकार नहीं करेंगे। मिर्जा कादियानी तो कहता था अल्लाह एक है, बजाय हम क्या बोले अल्लाह दो है, नहीं अल्लाह एक है। मैं कहता हूँ अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह तुमको गैब की इत्तला नहीं देगा, मैं परवेश की वजह से नहीं मानता। किसी एक मसले में इत्तेफाक हुआ जा सकता है, मौतज़िला का अकीदा हो या परवेश का अकीदा हो या फलाने का अकीदा हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे साथ अगर इस मसले में मुत्तफिक भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह का कुरान। अब ये रूहुल मानी पड़ता है, ये देखो ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम आयत में पढ़ लूं, अल्लाह कुरान में फरमाता है वो मिन अहलिल मदीनति मरदु अलन निफाक ला तअलमुहुम, मदीना में ऐसे पक्के मुनाफिक थे नबी, पक्के थे कि आप उनको नहीं जानते, नहनु नअलमुहुम अल्लाह फरमाता है हम उन्हें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 101 इसकी तशरीह में अल्लामा रूहुल मानी वाले अल्लामा आलूसी फरमाते हैं وهذه الآيات ونحوها أقوى دليل في الرد على من يزعم الكشف والاطلاع على المغيبات, कहते हैं कि ये सबसे मजबूत और कवि दलील है किसके रद में, जो कशफ और इत्तला की, मौलवी ने लिखा कशफ और इत्तला गैब की होती है, गैब की इत्तला पर भी मुजर्रद सफाइल कब व तजर्रद النفس यानी الشواغل وبعضهم يتساهلون في هذا الباب, बाद लोग इस बात में बहुत ज्यादा तसावुल इख्तियार करते हैं, ये ले रहा है लेकिन जवाब नहीं दे सकेगा, आपने इसका ले रहा है सुनो ले रहा है मैं ढूंढा, कहते हैं मुगीबात पर इत्तला सूरह तौबा आयत नंबर 101, लोगों देखो कुरान कौन पढ़ रहा है, कहते हैं नहीं हो सकती इत्तला नहीं हो सकती। अब आप बोलोगे ये परवेज नस्फी वाले ने भी इस आयत का यही मतलब बयान किया था जो मैं बयान कर रहा हूं, ये मिर्जा कादियानी का पैरवी था, ये थानवी बहिश्ती ज़ेवर वाले ने भी यही मतलब बयान किया, क्या ये थानवी का पैरोकार था, ये बेजावी वाले ने भी यही माना बयान किया, क्या ये भी थानवी के, ये भी जनाबे वाला परवेश के पैरोकार थे, तो ये मौलाना साहब अल्लामा आलोसी भी इनकार करते थे, ये लीजिएगा। अब उसके बाद जनाबे वाला तारुज और तसाकुर एतराज करता है, कहते हैं ये तारुज भाई आप मेरे पर क्या एतराज कर रहे हो, वाजे तो करते नहीं, आपकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती उस एतराज को वाजे कर दो। मैंने कहा था एक आलिम की दो बातों में टकराव हो, दो मुख्तलिफ बातें हो, दोनों तर्क कर दी जाती हैं, और मैंने मीज़ान का हवाला दिया था, उसूल बताया था, उन्होंने ये बात नकल की है कि वो कहते हैं काल नसाई और इसका दिन काल अबू हातिम, ये सफा नहीं, 552 इसके अंदर कहते हैं फहशु खिलाफ ही लिल असबाब फस्तहक आगे कहते हैं काला अबू हातिम अर-राज़ी लैस इन्दी मुनकर हदीस लैस मेरी, वो कहते हैं वरादा अनहु वरवा अनहु इब्न अब्दुल्लाह व ज़कर वैसन इब्न हिब्बान से सिकात फतसाक़त क़ौलाहु, उसके दोनों कौल साकित हो गए क्योंकि तआरुज आ गया। मेरे कहने का मकसद ये था कि तआरुज यानी टकराव आ जाए, किसी आलिम के दो कौल मुख्तलिफ हो जाए दोनों रद्द हो जाएंगे, लेकिन कुरान की आयत का क्या करोगे कि अल्लाह तुम्हें गैब पर इत्तला नहीं देता। ये मेरे हाथ में इनके किताब है, किसकी, मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी साहब की, ज़र्बे मोमिन आप पढ़ते उसके ऊपर, अल इस्लाम आप पढ़ते अखबार उसके ऊपर इनका नाम लिखा नजर आएगा, ये इनके फकीहुल असर है, ये कशफ के बारे में क्या क्या कहते हैं ये देखिए सुनिए, कहते हैं कशफ के फसादात, कशफ की आड़ में शरीयत से इनेराफ, कशफ की आड़ में शरीयत से मुनहरिफ होना फिर जाना, रसूलुल्लाह पर तफव्वुक, अपने आप को रसूल से बड़ा समझना, कशफ के बारे में अहले फन का इजमा कि ये पागलों को होता है, पागलों को, पागलों के कशफ की दो मिसालें सफा नंबर 11, फिर सफा नंबर 12 में लेते हैं कुतिया को कशफ, कुतिया को कहते हैं कि इन्हें कशफ हो रहा था
حضرت حکیم الامت کے ملفوظات میں کہیں نظر سے گزرا ہے کہ کتیا کو کتیا کتی لکھے چوندا ہیں کتی کتیا کو بچہ دینے کی حالت میں کشف ہوتا ہے کتیا کو کشف ہوتا ہے یہ کتیا کو کشف ہوتا ہے یہ پرویز سے سیکھ کے آیا تھا یا معتزلہ زمخشری سے سیکھ کے آیا تھا کہتا ہے گروہ کشفیوں سے زیادہ ماہر نعمت کی ناشکری پاگل کہتا ہے مجھے کشف ہوتا ہے صفحہ نمبر 12 کے اندر پاگل کہتا ہے یہ احمق ہے غبی ہے نیم پاگل ہے شاید کبھی پاگل بھی ہو جائے تفسیر بتا دی نا جو بھی کہے گا اسے کشف ہوتا ہے وہ ہے اپنی غباوت کو حماقت کو کم عقلی کو ذہن کے جمود کو اور خمود کو لوگوں پر ظاہر کر رہا ہے اور اس کے بعد آگے چل کر صفحہ نمبر 23 پر لکھتے ہیں رسول اللہ تو فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے لیلۃ القدر کا علم نہ ہونے کی حکمت یہ ہے اس کے خلاف بیٹھ کر توجہ کا مرتکز رہا یکسوئی بیان کر رہا ہے مراقبہ کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو رسول سے بھی بڑا سمجھ رہا ہے صفحہ 17 اور جناب والا اس کے اندر یہ بھی لکھتے ہیں کشف باعث غفلت ہے کشف پر عمل سے خطرہ کفر ہے خطرہ کفر ہے جس کشف کی یہ قصیدے پڑھ رہا ہے اس کے بعد جناب والا اسی کتاب کے صفحہ نمبر 26 کے اندر یہی مولوی صاحب لکھتے ہیں مسلمانوں میں انتشار کا باعث ہے مسلمانوں میں لڑائی کا اختلاف کا جھگڑے کا باعث ہے یہی مولانا صاحب صفحہ نمبر 34 پر لکھتے کشف ذریعہ الہاد بے دینی کا ذریعہ ہے کشف کس کا ذریعہ ہے بے دینی کا کشف ذریعہ الہاد موٹے موٹے لفظوں میں لکھا ہوا ہے چشمے صاف کیے بغیر بھی مولانا پڑھ سکتے ہیں آپ کتاب لیجئے پڑھ لیجئے اور جیسے پہلے آپ نے کتابوں کا جواب نہیں دیا تھا اس دفعہ بھی نہیں دے سکیں گے بزرگوں کے اقوال کہتے ہیں بعض لوگوں نے اپنے دعوے پر بعض بزرگان دین کے غیر معصوم اقوال پیش کیے غیر معصوم اقوال پیش کیے پھر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ یہ نصوص قطعیہ کے مقابلے میں صحیح ہیں ایسی بات نہیں ہے البتہ غیر متعلق دلائل سے استدلال و احتجاج غیر معصوم آراء و اقوال سے اثبات عقائد مفتی احمد یار خان صاحب اور ان کے ہم مشرف رفقا پہلے گمبن نے کہا تھا اب سرفراز کہہ رہا ہے گلدستہ توحید صفحہ نمبر 114 عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کتاب توحید و الہ العالمین اس کتاب کا صفحہ نمبر 357 لکھتے ہیں کہ جناب میں نے آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور عقیدہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عبداللہ ناصر رحمانی کے حوالے سے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان اقابر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ رکھا پھر اس کے بعد میں نے جو رکھا وہ یہ حوالہ رکھا آپ کے سامنے غلام احمد پرویز کا کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہے الہام کا جو ہے منکر نہیں ہے الہام کو تو بھائی آپ بھی تو الہام آپ بھی تو الہام کے منکر ہو نا آپ کا عقیدہ اس کے عقیدے کے موافق اس نے لکھا ہے کہ یہ عقیدہ کیا ہے وضعی یہ عقیدہ کیا ہے الہام والا وضعی جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت تک الہام رہے گا یہ عقیدہ کیا ہے وضعی کون لکھتا ہے غلام احمد پرویز انہیں کے اپنے ایک عالم نے اس کی عبارت نقل اسی طریقے سے انہوں نے قادیانیوں کی یہ روح الخزائن تو مجھ سے لی لیکن اس کا جواب کیا دیا اس کا جواب صرف یہ دیا کہ بھائی اگر یہ ایک صحیح بات دیتا ہے تو میں اس سے کیوں انکار کروں ٹھیک ہے اس کا جواب یہ دیا اس نے یعنی اس نے یہ مانا کہ اس کا عقیدہ کشف کے بارے میں ہمارا موضوع کیا ہے کشف دوسرا نہیں ہے کوئی اور عقیدہ نہیں ہے کشف کا عقیدہ ہے اس نے یہ بات مانی ہے کہ کشف کا عقیدہ صدیق رضا صاحب کا بھی وہی ہے جو اس کا ہے جو قادیانیوں کا ہے جو قادیانیوں کا عقیدہ ہے وہی صدیق رضا صاحب کا عقیدہ ہے اور پھر معتزلہ یہ مجھ سے روح المعانی تو لی تفسیر کشاف بھی رکھی ہوئی ہے میں نے یہ ان کو بھی دے رہا ہوں کہ لے لیں انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے جو صدیق رضا صاحب بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے صدیق رضا صاحب بھی کہتے ہیں کہ اولیاء کو بعض مغیبات پر اللہ رب العزت مطلع نہیں فرماتے انہوں نے بھی یہی بات تو معتزلہ کا عقیدہ قادیانیوں کا عقیدہ منکرین حدیث کا عقیدہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے کسی کا عقیدہ اگر کسی کے اگر بات صحیح ہے تو وہ لیں گے یعنی ان کا عقیدہ صحیح ہے اور غلط کون ہے علامہ ابن تیمیہ علامہ ابن حجر عبداللہ ناصر رحمانی ٹھیک ہے نا شیخ اور ان کے شیخ الاسلام اور یہ میاں نذیر حسین صاحب دہلوی یہ تفسیر سرائی والے یہ سارے کیا ہیں
ये सारे जो है काफिर हो। और अकीदा सही किनका है? कादियानियों का है, मोतजिला का है और मुनकरीन हदीस का है, इनका अकीदा सही। भाई खुदारा थोड़ा तो गौर फिक्र करो, थोड़ा तो गौर फिक्र करो कि ये जो अकीदा आप आज बयान कर रहे हो इसकी तायद करने वाले कौन है? मुनकरीन हदीस हैं, कादियानी हैं, मोतजिला हैं। और जिस अकीदे पर आपने कुफर का फतवा लगाया है वो अकीदा किसका अल्लामा इब्ने तैमिया बयान कर रहे हैं? अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा बयान कर रहे हैं। तो अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह तो हो गए काफर, ठीक है? अल्लामा इब्ने तैमिया हो गए काफर अल्लामा इब्ने तैमिया इनके नजदीक में ये कशफ को कुफर कह रहे हैं ना, वो तो कशफ को मान रहे हैं, वो तो मान रहे हैं ना कशफ को, तो इनके नजदीक अल्लामा इब्ने तैमिया तो हो गए काफर। और कशफ के मामले में सही कौन है इनके नजदीक? कादियानी, मुनकरीन हदीस और मोतजिला, ये इनके नजदीक सही। और गलत है तो वो अहले सुन्नत वल जमात, वो कुरान के भी खिलाफ, वो हदीस के भी खिलाफ। और कुरान और हदीस के मुआफिक कौन है? कादियानी है, मुनकरीन हदीस है और मोतजिला। अजीब बात कर रहे हैं। तो भाई जरा गौर व फिक्र करो, अपनी आखिरत की खुद फिक्र करो। अगर इस बंदे के पीछे जाओगे तो ये तो तुम्हें यही कहेगा कि मोतजिला सही है, कादियानी सही है, और जो है इसी तरीके से मुनकरीन हदीस सही है कशफ वाले मसले में, बाकी गलत है अल्लामा इब्ने तैमिया। भाई ये तो बुजुर्ग है उम्मीदवार। अच्छा कादियानी सही है, अल्लामा इब्ने तैमिया ने बात नहीं समझी, ठीक है ना? अल्लामा इब्ने हजर जैसा बंदा फतुल बारी के अंदर लिखता है उसने बात नहीं समझी। समझिए तो किसने समझी है? बकौल इनके गुलाम अहमद परवेज ने समझी है, मोतजिला ने समझी है, और उसी तरीके से कादियानी। तो भाई थोड़ा गौर व फिक्र करो, थोड़ा गौर व फिक्र करो कि अहले सुन्नत वल जमात के साथ जाना है। नबी अलैहिस्सलाम की जो मैंने शुरू में हदीस पढ़ी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब के सब क्या हैं जहन्नुम में सिवाय के मान अलैहि वसहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात के तरीके पर हैं, अकीदे के एतबार से भी और अमल के एतबार से भी। आज आप ये सोच लें कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और नजरिया कौन बयान कर रहा है, और गुमराह फिरकों का, मोतजिलों का, कादियानियों का, और इसी तरीके से मुनकरीन हदीस का अकीदा कौन बयान कर रहा है, अकीदा कौन बयान कर रहा है ना। और दूसरा फिर इन्होंने तफसीरों की तरफ इशारा किया कि जी क्या ये भी यही, क्या ये भी यही। तो इनका मैंने पहले ही जवाब दिया था कि आपने वो जो लफ्ज़ पढ़ा था ना बिला वास्ता, हमारी बहस बिला वास्ता में नहीं है, इसीलिए ठीक है, हमारी बहस बिला वास्ता में नहीं है, इसीलिए हमारा इसमें इसमें नहीं है, ठीक है। और इनके बाद इन्होंने इन्होंने जो आयतें पढ़ी, नंबर गिनवाए ना, इन्होंने नंबर गिनवाए जी, 7 हो गई, 8 हो गई। तो खुदा के बंदे आयत वो पढ़ो जो ज़ेर बहस मौज़ू से मुतालिक हो, जो मुतालिक हो। एक आयत पढ़ी के जी नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही के जरिए हमने इसे इनकार किया, भाई हमने तो लिख कर दिया है ना, हमने तो लिख कर दिया है। भाई आप दोबारा हमारे दावे को देख लें, अब क्या कर लें, दोबारा हमारे दावे को देख लें। हमने तो अंबिया के लिए मानी है ना बात, हमने इनकार किया, हमने तो नहीं किया। जब ये मामला मेरे और आपके दरमियान मुत्तफिक है तो इस पर आयत पेश करने का मतलब, इस पर आयत पेश करने का मतलब ही सिर्फ ये है कि अपनी आयात की तादाद बढ़ाना, इनके पास है नहीं कोई और आयत, अपनी आयात की सिर्फ तादाद बढ़ाना ना, वगरना इनको जो आयत पेश करनी है वो इसी तरह पेश करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत औलिया को बजरिया कशफ व गैब की बातों पर मुत्तले नहीं। अगर आयत पढ़ने तो वो पेश करें नफी की दलील मांग, आगे चलते हैं फिर दे रहे क्यों है, फिर दे रहे क्यों है, अगर मांग ना करो तो देना, तो उससे ज्यादा करो तो ले। अजीब बात है, आगे सुने भाई। अब मैं आपके सामने पेश करता हूँ, कहते हैं जी कि मैं खुदा की कसम खाता हूँ कुरान नहीं उठाएंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे। यार भाई कसम नहीं खाओ, ज़्यादा कसमें जो आप खा रहे हो ना पता लग जाएगा कि ज़्यादा कसमें कौन खाता है, उससे छोड़ दो, मैं आपके सामने कुरान पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और हमारे उस्ताद ने भी हमारे उस्ताद ने भी इनके सामने हदीसें भी पढ़ी थी और कुरान भी पढ़ा था। ये कह रहे हैं कि नहीं पढ़ा था, ये झूठ है, पढ़ी थी। ऑन द रिकॉर्ड है हमारे पास मौजू पर, ठीक है ना, ऑन द रिकॉर्ड है कि हमारे उस्ताद ने इनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी थी। और इंशाल्लाह मैं भी पढ़ता हूँ सिद्दीक रजा साहब को मालूम है। तफसीर है अहसनुल कलाम उर्दू दारुस सलाम की, ये अपने मकतबे का तर्जुमा की है, तफसीर भी है।
ठीक है, इनके अपने मकसद का तर्जमा और तफसीर। ये सूरह तहरीम है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमाते हैं कि वज़रब अल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इमरअत फिरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्ना वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिल ज़ालिमीन। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह ने अहले ईमान के लिए फिरौन की बीवी की मिसाल बयान की, जब उसने कहा ए मेरे रब मेरे लिए अपने हाँ जन्नत में एक घर बना और मुझे फिरौन और उसके अमल यानी शर से निजात दे और मुझे ज़ालिम कौम से निजात दे। अब हज़रत आसिया जो फिरौन की क्या थी घर वाली, वो अल्लाह से क्या दुआ मांगती है कि या अल्लाह मेरे लिए जन्नत में घर बना, मेरे लिए क्या बना जन्नत में घर बना। ये मेरे पास मुस्नद अभी यार आयत की तफसीर में इनकी तरह मोतज़िला की तईद और कादियानियों की तईद से पेश नहीं करूँगा, बल्कि मैं हदीस से पेश करूँगा, ठीक है ना। मैं कहाँ से पेश करूँगा, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस। ये हदीस है, हज़रत अबू हुर्रा फरमाते हैं कि जब उन्होंने ये दुआ मांगी ना वकालत रब्बि इब्नली इंदक बैतन फिल जन्ना वनज्जिनी फिरऔन वनज्जिनी मिन फिरऔन वअमली वनज्जिनी मिन क़ौमिल ज़ालिमीन फकशफा लहा अन बैतिहा फिल जन्ना, तो अल्लाह ने जन्नत का उनका घर उनको क्या कर दिया, मुनकशफ कर दिया, उन पर उनका घर क्या कर दिया, मुनकशफ कर दिया। यह हदीस से कुरान की आयत की मैं क्या कर रहा हूँ, तशरीह, कुरान की आयत की मैं तशरीह कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगी। तो भाई ये कुरान की आयत भी हो गई और नबी और जो है हदीस भी हो गई, ये एक आयत। इसी तरह आगे चले, इसी तरीके से ये देख लीजिए, कुल्लमा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-महराब वजदा इंदहा रिज़्का। अब इसका मालूम मता जो है ना झूठ और गलत बयान ही है, सच नहीं बोलेंगे। अब फलां को काफिर करार दे दिया, फलां को काफिर करार दे दिया। मैंने एक बार भी कहा कि फलां काफिर है, मैंने एक बार भी नहीं कहा और मैं कहूंगा भी नहीं। जैसे इनके उस्ताद झूठ बोलते रहे ऐसे ये भी झूठ बोलते रहेंगे, इस पर्चे में भी नहीं लिखा हुआ है। अब मालूम मता झूठ है, कहते हैं अब ये कहेगा परवेसी का अकीदा सही है, मोतज़िला का अकीदा सही है, कादियानी का सही है, इब्ने तैमिया का गलत है। मैंने ये कहा ही नहीं, ये झूठ बोल रहा है, साफ झूठ बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ कुरान की आयत सही है, अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुक़लिअकुम अलल गैब, अल्लाह तुमको गैब की इत्तला नहीं देगा। तो अब तुम कहते हो अल्लाह कुरान पढ़ने वालों को कह रहा है, जो भी कुरान पढ़ेगा अल्लाह उसको कह रहा है तुमको गैब की इत्तला नहीं देगा, और ये कुरान पढ़ते थे कि नहीं। और मैंने कहा इस उम्मत को अल्लाह इस उम्मत की नफी कर रहा है, तुमको नहीं देगा। मा कान अल्लाहु लियुक़लिअकुम में अल्लाह के मुखातब कौन है, जमीन पर मौजूद लोग या मरे हुए लोग, पिछली उम्मत के लोग, फिरौन की बेगम, उम्मे मूसा, सैयदा मरियम, इस उम्मत के मा कान अल्लाहु लियुक़लिअकुम कौम हाजिर की ज़मीर मौलवी साहब मुखातब को कह रहा है, पिछली उम्मत को नहीं कह रहा है। जो रिवायत मुस्नद अबी आला की पेश की वापस करो, हम्माद इब्ने सलमा इख्तिलात का शिकार थे, साबित करो कि रिवायत इख्तिलात से पहले की है। और बात बयान करने वाला देख लो ऐसे करते हो जवाब नहीं आएगा, कहते तगैयरा हिफ्ज़ुहु बिआखिरिही, तहज़ीब में हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने कहा है जिल्द नंबर 3 और सफा नंबर 11 तकरीब में भी कहा है। अब देखो जनाबे वाला सही रिवायत पेश करता है और कहता है हदीस से तशरीह करूंगा, सही हदीस तशरीह नहीं होती। कहता है रूहानी खजाइन का जवाब दे दिया कि इसकी बात सही होगी तो मैं मान लूंगा। मैंने ये बोला था, मैंने तस्कीन व सुदूर सरफराज खान सफदर की दिखाई कि अगर किसी बातिल अकीदे वाले की सही बात हमसे मिल जाए तो हम इस वजह से तो नहीं छोड़ेंगे। तस्कीन व सुदूर का बाकायदा हवाला दिया, टाइम थोड़ी जाया करूंगा, चाहिए तो दिखा दो। कहता आयत मौजू के मुताबिक नहीं थी, मेरा मौजू ये था कि अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह वही के जरिए गैब की खबर देता है। तो तिल का भी नंबाई गैब नूही है, ऐ अल्लाह के नबी ये गैब की खबर है जो हमने आपकी तरफ वही की, ये मौजू के खिलाफ है। मौजू के खिलाफ तो मौजू के मुताबिक तो वो नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं। मौजू ये है कि इस उम्मत के औलिया को गैब का इल्म हासिल होता है, मैं इसका इनकारी
नहीं, कहते तू दलील दे कि इस उम्मत के औलिया को नहीं होता कशप के जरिए। भाई किसी भी जरिए से अगर होता है तो तुम साबित करो। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ने मुतलक नफी की है, अल मुतलक और यजरी अला इतलाक ही कायदा है, मुतलक अपने इतलाक पर जारी होता है, यानी आम बात की कि अल्लाह तुमको गैब की इतला नहीं देता। आप कहते नहीं कशप के जरिए से हो सकता है, कशप के जरिए इतला दे सकता है, साबित करो। कहते हैं तुम इलाम को नहीं मानते, ये देखो पर्चा ऐसे कर रहा था, उस पर्चे में ये कहाँ लिखा है कि मैं इलाम को नहीं मानता, मैं इल्हाम के जरिए इल्मे गैब को नहीं मानता, इल्हाम के जरिए इल्मे गैब इत्तिलाए गैब को नहीं मानता। वो लफ्ज दिखाओ, झूठ अपनी तरफ से बोलते रहेंगे। बिला वास्ता मैंने दिखा दिया, भाई तेरी एक इतनी सी बिला वास्ता से क्या साबित होता है बता तो सही। बिला वास्ता की तशरीह भी तुझे करके सुना चुका हूँ, बस उसमें बिला वास्ता लिखा है, मैं बिला वास्ता, जरा वाज़े तो कर इस बिला वास्ता को। कहता है जनाब इसके पास कोई और आयत नहीं है, तेरे पास तो एक भी नहीं है, बस्सर मिस्कीन बेचारे गरीब, तेरे पास तो एक आयत भी नहीं है कि औलिया को कशप के जरिए गैब का इल्म हासिल होता है, एक हदीस भी नहीं है तेरे पास। नफी की दलील मांगने वाले मुनाजरे का उसूल सीख ले। मंजूर नोमानी साहब ने अपनी किताब फुतुहात नोमानिया के अंदर ये बात लिखी है कि नफी की दलील नहीं होती, इस बात की होती है। मुद्दई बनाए सिर्फ पहली और आखिरी तकरीर लेने के लिए, वगर ना दावे के सबूत के लिए ना बेचारे के पास आयत है ना हदीस है। सुन अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल इन तुफु मा फी सुदूरिकुम औ तुबदूहु यअलमहु अल्लाह व यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ वल्लाहु अला कुल्ली शयइन कदीर। यानी जो कुछ सीनों में है, जो कुछ तुम जाहिर करते हो, सबको अल्लाह सुभानहु व तआला जानता है। आपका अकीदा है कि अल्लाह के अलावा औलिया भी अगर जानते हैं तो फिर सीने के राज जान सकते हैं। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अलीमु बिज़ाति सुदूर, अल्लाह सीनों के राज जानता है। ये मैं दो आयतें इस बारे में पढ़ चुका हूँ। तीसरी आयत में अल्लाह फरमाता है कि वलियबतली अल्लाहु मा फी सुदूरिकुम वलियुमहिस मा फी कुलूबिकुम वल्लाहु अलीमु बिज़ाति सुदूर। सीनों के राज कौन जानता है? अल्लाह जानता है। कौन जानता है? अल्लाह। कितनी आयतें पढ़ी मैंने? तीन। अब देखें इस किताब के अंदर मौलवी सरफराज खान सफदर साहब यही आयत नकल करके कहते हैं। कौन सी आयत? अलीमुन बिज़ाती सुदूर वाली आयत नकल करके कहते हैं जनाबे वाला, कहते हैं इन वल्लाहु अलीम बिज़ाती सुदूर, सफा नंबर 81 इज़हारुल ऐब, इसके अंदर ये लिखते हैं जनाबे वाला, कहते हैं कि इन नुसूस से कतईया कुरानिया से कतई तौर पर साबित है कि मा फिल अर्दी व समा का गैब और दिलों के राज अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। आगे की बात जरा गौर से सुनिएगा, इल्ला मा अअतल्लाहु तआला लि अहदिन व सबत बि दलीलिन कतईयिन व हुव शयउन महदूदुन बिनिस्बतिल गैबी। तो कहते हैं सिवाय उस इल्म के जो अल्लाह किसी को दे और वो दलील कतई से साबित हो। तू जो कह रहा है कि औलिया को इत्तला होती है गैब की, ये कौन सी दलील कतई से साबित है? दलील कतई का पता भी है, दावा था ना आपका, जरा साबित तो करो, तारीफ तो करो। दलील कतई किसको कहते हैं? दलील कतई इन किस्से कहानियों को नहीं कहते। सारियत अल जबल वाली रवायत पढ़ी, सनद पढ़ने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत है मौलवी साहब तो निकालो और सनद पढ़ के सुनाओ, उसकी असल हदीस की किताब से निकाल कर दिखाओ। ये कहता है इल्ला मा अतल्लाह बिदलीलिन कतईयिन, कतई दलील से साबित हो। मैंने आज पेश किया अल्लाह तुमको गैब नहीं देता, सीनों का इल्म अल्लाह जानता है। ये कहते हैं नहीं, सीनों का इल्म तो इनके बुजुर्गों में से हर एक को हुआ करता था। ये देखिए मेरे हाथ में किताब हिकायत औलिया, इसके अंदर, इस किताब के अंदर हिकायत औलिया के अंदर ये लिखते हैं मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, लिखते हैं, कहते हैं फरमाया कि मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी का कल्ब बड़ा नूरानी था, मैं उनके पास बैठने से डरता था कि कहीं मेरे उयूब उनकशिफ ना हो जाएं। अरे आलिमुल गैब अल्लाह है, ये शाह अब्दुल रहीम रायपुरी है, ये कुरान की आयत के खिलाफ तेरा मजहब, कुरान की आयत के खिलाफ तू 10 खरब हवाले पूरे कर दे, कोई फायदा नहीं होगा कुरान के खिलाफ। जनाबे वाला इसी किताब के अंदर आपके मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने ये बात लिखी है, सफा नंबर 283 के अंदर और 238 के अंदर भी यही बात लिखी हुई है। मौलवी साहब फरमाते हैं मुझे ख्याल हुआ हम लोगों के अमाल अच्छे नहीं है, अक्सर बुजुर्गों को कल्ब की तारीकी का एहसास हो जाता है, अक्सर बुजुर्गों को। अल्लाह क्या कहता है? अलीमुन बिज़ाति सुदूर, सीनों के हाल कौन जानता है? अल्लाह। दो तीन आयात में आपके सामने इस मौजू की पढ़ चुका हूँ, अल्लाह जानता है, लेकिन ये कहते हैं बुजुर्गों को तारीकी का एहसास हो जाता है। और जनाबे वाला तज़किरतुर रशीद के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा 68 के अंदर
अंदर ये बात लिखी हुई है, कहते हैं कि जनाब बसा औकात मरीज को अपना हाल और कैफियत बयान करने की भी नौबत ना आपकी थी, आप मुख्तसर दवा बताते थे, इसकी वजह क्या कहते हैं, कहते हैं कि बल्कि आईने से ज्यादा रोशन कल्ब की नूरानियत थी जिसकी वजह से, यानी दिल ऐसा हो गया था कि मरीज को बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कौन सी बीमारी है, जनाब वो अस वक्त ठीक हो जाया करता था या उसकी दवा खुद दे दिया करते थे, वो खुद जान लिया करते थे। मेरे भाई ये अकीदा अलीमों के साथ सुदूर के खिलाफ है, ये कहां से लायो, कहते हैं बावजूद ये कि दरियाए वहदत में मुस्तगरिक थे और वारदात गैबिया कल में मुबारक पर वारिद होते थे, अल्लाह है और इनके नजदीक अल्लाह भी है मुल्ला भी है। कहता है मैं आयत पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा, मेरे उस्ताद ने भी पढ़ी थी, ऐसे ही पढ़ी थी जैसे तूने पढ़ी है, मौजू के मुताबिक नहीं पढ़ी, पढ़ना कोई एक आयत जिससे साबित हो कि अल्लाह औलिया को गैब का इल्म देता है, सुबह हो जाएगी आयत नहीं पढ़ सकता, कयामत तक नहीं पढ़ सकता, कसमें खाकर कह रहा है अगर मैंने कसम खाई तो तू कौन सा मेरी कसम को तोड़ सका है, नहीं तोड़ सकता मुन्ने। देखो कहते हजरत शेख ने यूं फरमाया कि इस जमाने में मौलाना रशीद अहमद गंगोई को हक के ताला ने वो इल्म दिया है कि जब कोई हाजिर होने वाला सलाम अलैकुम कहता है तो अस्सलाम अलैकुम कहता है तो आप उसके इरादे से वाकिफ हो जाते हैं, जिल 2/312 सलाम कहता है इरादे से वाकिफ, इरादा जहन में होता है दिल में होता है, अली मुंबिस सुदूर मेरा अल्लाह है, लेकिन इनके नदी मौलवी रशीद अहमद गंगोई ख्वाब बयान करके उसकी जनाबे वाला अपनी तारीफ बयान कर रहे हैं, कहते हैं मजजूब जो कुछ इरशाद ये थानवी साहब ने लिखा, इमदादुल्ला महाजर मक्की जो इनके रहमतुल्लिल आलमीन थे, मुसलमानों के रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफा जो बंदी उम्मत के रहमतुल्लिल आलमीन इमदादुल्ला महाजर मक्की, वो कहते हैं मजजूब जो कुछ मुशाहदा करते हैं जबान से कह डालते हैं, बुजुर्गों के हुजूर में दिल को खतरात और ख्यालात से पाक रखें, अपने दिल पर मुराकिब रहें, मुबादा असर दिल मुकद्दर कल्ब अहले बातिन पर पड़े और उसकी जबान पर आ जाए, यानी अहले बातिन के सामने अपने दिल को साफ रखें। आगे पढ़ूंगा फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बादा। देखिए जी मैंने ये बात तो आपके सामने रखी थी कि कादियानियों का अकीदा क्या है, वही है कशफ के बारे में जो सिद्दीक रज़ा था, मोतज़िला का वही अकीदा है कशफ के बारे में जो सिद्दीक रज़ा था, ठीक है, इसी तरीके से इल्हाम के ये मुमकिन है, लेकिन इसी तरीके से वो मुमकिन हदीस जो है वो भी क्या है, वो भी क्या है, तो कादियानियों का अकीदा मोतज़िला का अकीदा और मुनकिरीन हदीस का अकीदा और सिद्दीक रज़ा साहब का अकीदा क्या है। फिर इससे इसके अलावा मैंने कितने उलमा पेश किए आपके सामने, 42 अल्लामा इब्ने तैमिया भी उनमें आ गए ना, अल्लामा इब्ने तैमिया, चलो ये एक हवाला मैं जैसे ही पढ़ दूँ, ये हमारे अकादर की जो है वो करामात पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, तो ये देख लीजिए मदारिजुस सालिकीन, ये इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह की, इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह का आपने नाम सुना होगा, वो खुद कहते हैं व अखबरनी गैर मरतिन बि उमूरिन बातिनतिन तक्तसु बी मिम्मा अज़मतु अलैहि व लम यन्तिक बिही लिसानी, कहते हैं कि मुझे बहुत दफ़ा मेरे बातिन की बातों पर जिस पर मैंने भी इरादा किया था ज़बान से बात बयान नहीं की थी, अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे उनके बारे में बताया, अल्लामा इब्ने तैमिया ने मुझे उनके बारे में बताया। इब्ने कय्यिम भी हो गया काफर भाई, इब्ने कय्यिम भी हो गया काफर इसके अंदर। अच्छा कहता है बड़ी अजीब बात है, कहता है मैंने इनको काफर मान लिया, मेरे का लिखा कुफरिया, चलो ये सुन लो, इनको जरा ना थोड़ी सी भूलने की बीमारी, ठीक है, वो किस तरह आप इनका जवाब दावा देख लीजिए, कशफ के मुतालिक जो उन्होंने लिखा है ना, ऐसा अकीदा रखने वाला कुफरिया अकीदे का है, इसका कुफरिया समझते ना, ठीक है कुफरिया समझते ना, असल की बात ऐसा अकीदा रखने वाला कुफरिया अकीदे का हामिल है, कशफ़े गैबी किसी गैर नबी को हासिल नहीं हो सकता, इस तरह का अकीदा रखने वाला तोबा ना करे तो वो काफिर है, इनके नजदीक ये सारे तोबा वाले हैं और हमारे घर तोबा, अजीब बात है, इनको कशफ हो गया, कशफ हो गया, कशफ के मुनकिर और कशफ इनको हो गया, अजीब बात है यार, ठीक है, तो इब्ने तैमिया
अल्लामा इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह क्या हो गए, इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लामा इब्ने तैमिया जो मेरे शेख थे, उन्होंने काफ़ी दफ़ा मुझे मेरी दिल की बातों पर मुतलब किया कि भाई तेरे दिल के अंदर ये बात आ रही है, तेरे दिल के अंदर ये बात आ रही है। तो अल्लामा इब्ने कय्यिम क्या हो गए, इब्ने तैमिया क्या हो गए, तो 41 उलमा काफिर बन रहे इनके नज़दीक, ठीक है 43। और इसी तरीके से इनके नज़दीक मुतज़िला कादियानी और जो है वो मुनकिरीन हदीस क्या है, सही है। कहते हैं कि मैंने उन्हें कब कहा कि वो जो है मेरा अकीदा उनके मुताबिक या वो सही है, मैंने कब कहा, भाई वो अकीदा वही बयान कर रहे हैं जो आपने बयान किया, आप कहते वो गलत है, जो अकीदा आपने लिखा वही है तफसीर कशाफ के अंदर मुतज़िला ने लिखा है, बताओ ना दो जवाब, इसका भी नहीं देते जवाब। इसी तरीके से ये रूहानी खजाइन ली तो थी हमसे लेकिन इसका जवाब नहीं आया, उन्हें कहते जवाब नहीं आएगा, अच्छा जी आप पहले हमारा कर्ज तो उतारो, अब हमारा कर्ज तो उतारो, रूहानी खजाइन का कोई जवाब नहीं आया। ये कादियानी जो अकीदा बयान कर रहे हैं वही आपका है, मुतज़िला जो अकीदा बयान कर रहे हैं कशाफ में वही आपका है, ठीक है ना। तो जो अकीदा गुमराह फिरकों का है वो आपका है, और जो अहले सुन्नत वल जमात के उसूलों में से है उसके ऊपर आपने तो कुफर का क्या लगा दिया है, फतवा लगा, उस पर तो आपने कुफर का फतवा लगा दिया है। अच्छा आगे चलिए, इससे कहते हैं कि जी कुरान की आयत इसने पेश की और हदीस पेश की, हदीस जो पेश की तो मैं तो पिछली उम्मतों के लिए मानता हूँ, तुम गाने ना मैं तो पिछली उम्मतों के लिए मानता हूँ, इसमें आम दावा, इसमें आम के गैर नबी को नहीं होता, गैर नबी को नहीं होता, आम ये नहीं कहा कि इस उम्मत में, इन्होंने आम दावा किया है। और अब उस आम में क्या कर रहे हैं, तख़सीस कर रहे हैं, उस आम में क्या कर रहे हैं, तख़सीस, अपने जवाब दावे के मुताबिक खुद क्या हो रहे हैं, खुद काफिर हो रहे हैं। अभी तो बात आगे चलेगी ना इंशाल्लाह। अच्छा जी मैं भी आपके सामने, और इन्होंने एक आयत पेश की, इन्होंने कहा कि आप पूरी पेश करें, कहते हैं कि अल्लाह गैब पर मुतलब नहीं फरमाते मगर इनको अगर इनकी तशरीह वही मान ली जाए जो ये बयान कर रहे हैं गुमराह फिरकों के मुताबिक, ना जो ये बयान कर रहे हैं उनके गुमराह फिरकों के मुताबिक अगर इनकी तशरीह मान ली जाए तो देखिए इनके एक आलिम है ये हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहब, ये अली जी साहब के भी उस्ताद हैं, ये लिखते हैं कि रसूल और नबी के अंदर फ़र्क, रसूल और नबी के अंदर क्या है फ़र्क, रसूल ख़ास है और नबी आम है, यानी हर रसूल नबी है लेकिन हर नबी रसूल यानी जो बात रसूल के लिए साबित होगी वो नबी के लिए साबित है। तो ये जो आज पढ़ रहे हैं उससे तो फिर ये मालूम होगा कि अल्लाह गैब पर नबियों को मुतलबी फरमाते रसूलों को, ठीक है। इन्होंने जो आयत पेश की उसमें रसूल का लफ्ज है, किसका लफ्ज है, रसूल का, और इनके आलिम लिखते हैं कि रसूल और नबी के दरमियान क्या है फर्क है, रसूल क्या है खास है, नबी क्या है आम है, यानी हर रसूल नबी होता है लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता, तो जो चीज रसूल के लिए साबित होगी वो नबी के लिए, ठीक है। तो अब नबियों के लिए भी क्या ये यानी इस बात पर इनकार करेंगे कि अल्लाह उनको गैब पर मुतलबी नहीं फरमाते, अब जो जवाब ये इसका देंगे उस आयत से तख़सीस के लिए वो इंशाल्लाह आगे हम करेंगे, वो याद है इनको हम क्या करेंगे। तो ये एक आयत मैंने पेश की थी और इन्होंने माना है कि मैं पिछली उम्मतों के लिए मानता हूँ। आगे चलिए, ये दूसरी आयत है हमारी, आपने मान लिया ना पिछली उम्मतों के लिए। आगे चलिए जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-महराब वजदा इंदहा रिज़्का, जब भी मेहराब में ज़करिया दाखिल होते तो उसके पास कुछ खाने पीने की चीज़ें पाते, काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, तो हज़रत ज़करिया कहते ए मरियम तेरे पास ये कहाँ से आई, कालत, तो हज़रत मरियम कहती कि ये हुआ मिन इंदिल्लाह, ये कहाँ से आई भाई, अल्लाह की तरफ से, इन्नल्लाहा यरज़ुकु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क देता है। इसकी तशरीह में इन्हीं के एक अपने आलिम से कर देता हूँ, वो इसके अंदर इसके लिए लिखते हैं कि इसमें मरियम की करामत है, इसमें क्या है
मरियम भी करामत, और कशफ भी करामत के कबीले से है, जैसा कि अब्दुल्ला नासिर रहमानी ने लिखा है, अब्दुल्ला नासिर रहमानी ने इस बात को तस्लीम किया है। तो मरियम की करामत यह है कि जिस जगह मरियम मसरूफ़ इबादत होती थी उस कमरे में सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम के अलावा सबका दाखिला ममनू था, यानी कोई नहीं जाता था। सैयदना मरियम के लिए सामान पुरनोश भी सैयदना ज़करिया ही वहाँ पहुँचाया करते थे। फिर बारहा ऐसा भी हुआ कि सैयदना ज़करिया खुराक देने के लिए उस कमरे में दाखिल हुए तो सैयदना मरियम के पास पहले ही से खाने पीने का सामान पड़ा देखा। वो इस पर हैरान होकर पूछते हैं कि मेरे बगैर यहाँ कोई आता भी नहीं है और इसके पास फल भी ऐसे हैं जिनका मौसम भी नहीं है, यानी बेमौसम फल। कैसे फल? बेमौसम फल। अब बताइए कशफ का माना है कि छुपी हुई चीज़ का जाहिर होना, छुपी हुई चीज़ का जाहिर होना। अब बेमौसम फल जो है इस वक्त जाहिर है नहीं है, बेमौसम फल जिनका अभी मौसम ही नहीं है वो जाहिर है इस वक्त नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मरियम के लिए बेमौसम फल क्या कर दिए? मुनकशफ कर दिए। हजरत मरियम के लिए क्या कर दिए? मुनकशफ। तभी इसको करामत कहा गया है, तभी कहा गया है करामत। और करामत कशफ भी करामत के कबीले से, जैसा कि अब्दुल्ला नासिर रहमानी ने इस बात को तस्लीम किया। तो देखिए मरियम नबी थी भाई, हैं मरियम नबी थी, अरे नबी थी ना, अल्लाह की एक बंदी थी, अल्लाह की एक वली थी, ठीक है, वलिया थी अल्लाह की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर मुनकशफ कर दिया बेमौसम फलों को। तो ये आयतें कितनी हुई भाई? दो आयतें। इसी तरीके से आगे चलिए, ये तीसरी आयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि इद औहैना इला उम्मिका मा युहा अन अनक्ज़िफीहि फिल ताबूत। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा, अल्हम्दुलिल्लाह धोखा देते हैं, धोखा इबासी पर खुला धोखा। मैंने इतने मुनाज़रे देखे कि ये किसी एक को भी मुंह दर मुंह झूठ बोलने वाला नहीं देखा इसके अलावा। मैंने कितनी दफा बोला कि भाई मैंने ये कब कहा है कि मैं इल्हाम को नहीं मानता, पर्चा ऐसे करता है। उस वक्त कैमरे इस तरफ होते नजर नहीं आता, लेकिन आपने देखा होगा पर्चा ऐसे करता है। उस पर्चे में ये कहा लिखा है कि मैं इल्हाम को नहीं मानता? ये कहा लिखा है कि मैं इल्हाम को नहीं मानता? मैंने कहा इल्हाम के जरिए इत्तिलाए गैब को नहीं मानता, और इस उम्मत के कहता है इस पर्चे में नहीं लिखा है। आधी बात पेश करता है और आधी बात पेश नहीं करता है, झूठ को तस्कीन पहुंचाने के लिए। मैंने इसमें साफ लिखा है कि हमें इस बात से इनकार नहीं कि अल्लाह वही के जरिए से अम्बिया अलैहिस्सलाम को इत्तला या खबर देता है, लेकिन कुरान मजीद में इस उम्मत के औलिया कराम को गैब की इत्तला दी जाने की नफी मौजूद है। इस उम्मत की बात कर रहा हूँ, इस उम्मत की। कहता है इस पर्चे में नहीं लिखा, ये पर्चा मैंने नहीं लिखा था, इधर ये गोल अंडे जैसा साइन आपका नहीं है, हैं ये पर्चा पेपर आपके पास है, ये मैंने नहीं लिखा था, इस उम्मत के औलिया। अब दलील बेचारे के पास है नहीं, झूठ बोलेगा, कहता है सबको काफिर कह दिया, झूठ बोल रहा है मुंह पर। मैंने कब कहा है भाई ये भी पढ़ लो ना, फिर दोनों मिला के है ना, दोनों परे एक परे, दोनों परे एक परे। भाई जो आप बात करेंगे मैं उसका इनकार, मैंने इस उम्मत का इनकार किया ही नहीं। आगे झूठ बोलता है कि आपने मान लिया, इनकार कब किया था? इनकार पिछले मुनाज़रे में भी मैंने यही कहा था, इस मुनाज़रे में भी यही कह रहा हूँ। पिछली उम्मत मरियम, पिछली उम्मत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की जो आयत ये पढ़ने वाले थे, पिछली उम्मत, और जनाब कहते हैं बेमौसम के फल दे। अगर मैं मान भी लूंगी ये गैब की बात है, हालांकि गैब की बात नहीं है, जब अल्लाह ने फल दिए तो फल नजर आती चीज है या गायब चीज है? बेमौसम फल। जब बेमौसम फल किसने दिए? किसने दिए? अन्ना लकी हादा कालत अल्लाह की तरफ से, मिन इंदिल्ला अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह वाला अल्लाह वाला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब अल्लाह ने फल दिया तो नजर आया, नजर आया, फल नजर नहीं आता है इसको, फल भी है बेमौसम। अरे बेमौसम भी अगर अल्लाह देगा तो नजर ही आएगा ना, गैब की तरह नहीं है ये। अच्छा पिछली उम्मत, पिछली उम्मत है,
یہ امت نہیں. اچھا پھر جناب والا کہتا ہے رسول و نبی میں فرق ہے. میں کہتا ہوں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, دلیل سے ثابت کرو. بزرگوں کے اقوال سے دین ثابت نہیں ہوتا. تمہیں شکست ہو چکی ہے, تم بار بار سب کچھ بزرگوں کے اقوال سے ثابت کر رہے ہو. دلیل پیش کرو, دلیل. اچھا یہ ان کے نزدیک, میرے نزدیک رسول اور نبی میں فرق نہیں چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہمت ہے تو دلیل دو. بزرگوں کے اقوال غلط بھی ہو سکتے ہیں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں. اس کی دلیل, ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ کوئی نبی تو نہیں تھے نا. صحابہ جب معصوم نہیں تھے, اس میں لکھا ہے صحابہ نے مال کی لالچ میں فدیہ لیا. صحابہ نے نہیں, گستاخی نہیں کی ہے. چپ رہے ہیں مال کی لالچ. میں صرف مثال, تقدیر موضوع ہے. چپ رہے ہیں, بیچ میں نہ بولے. پھر میں بھی بولوں گا. دکھائیں ادھر. پھر میں بھی بولوں گا. تقدیر موضوع ہے. تقدیر موضوع ہے. معتزلہ موضوع ہے. مثال ہے جناب. آگے سنو. کہتا ہے کافر قرار دے دیا. کہتا ہے کافر, جھوٹ, اتنا جھوٹ. کہتے ہیں اگر تعرض کسی طرح ختم نہیں ہوتا پھر اس کو چھوڑ دیں اور قرآن و سنت پر عمل کریں گے. یعنی اگر کسی کی بات قرآن و سنت کے خلاف نظر اپنی گمن لکھتے ہیں, کہتے ہیں اگر انہوں نے قرآن و سنت کی کوئی بات اپنی کتاب تو ماننا ضروری ہے. اگر ان کی کتابوں میں کوئی ایسی بات موجود ہے جو بظاہر ہمیں قرآن و سنت کے خلاف نظر آتی ہے تو پوری کوشش کریں گے قرآن و سنت کے مطابق کریں. اگر تعرض کسی طرح ختم نہیں ہوتا تو اس کو چھوڑ دیں گے, قرآن و سنت پہ عمل کریں گے, مگر اس کے مصنف کو کافر نہیں کہیں گے. اصول ہے یہ باقاعدہ. اور کہتے ہیں اس نے 40 کو کافر کہہ دیا, 45 کو. استاد کی پیروی میں یہ بھی جھوٹ بولے جا رہے ہیں. نہ میں نے اس دن کسی کو, پھر کہتے ہیں ہمارے والے کو کافر, تمہارے والے کو. اس مناظرے میں نے کہا تھا میں تم کو بھی کافر نہیں کہتا, تم کو بھی نہیں, تمہارے بزرگوں کو بھی نہیں کہتا. لیکن دیکھو تمہارے سامنے میں آئے نہ اپنے بزرگوں کو نہ تمہارے. میں کہتا ہوں یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے, یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ تم کو غیب کا علم نہیں دیتا. گمن صاحب کی کتاب صفحہ نمبر 21 اور 22 کے اندر یہ لکھا ہے. تو اس نے غلط لکھا ہے, میں نے کافر قرار نہیں دیا, جھوٹ بول رہا ہے. جی یہ جھوٹ جتنی بار چاہو بولو. آگے سے کہتا ہے ہمارے والے کافر ہوں گے. بھائی ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ کو کافر, میں نے کافر نہیں کہا. لیکن یہ تو تم بھی نہیں کہہ سکتے کہ ابن قیم معصوم نہیں تھے, شیطان کے دھوکے کا شکار نہیں ہو سکتے تھے. کہتا ہے روحانی خزائن کا جواب نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل روحانی خزائن تھی جس کا میں نے جواب نہیں دیا. مجھے نہیں پتا تھا مرزا قادیانی کے قول کو تو اتنی اہمیت دے گا. اللہ کے بندے اگر مرزا قادیانی کا قول کوئی تجھے دکھا دے, کہے کہ مرزا قادیانی بھی کہتا تھا محمد اللہ کے نبی ہیں, تو بھی کہتا ہے محمد اللہ کے نبی ہیں, تو بتا تو مرزا قادیانی کا موافق ہو گیا؟ میں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ قادیانی کا عقیدہ صحیح ہے. اس نے اس مجلس میں جھوٹ بولا. کہتا ہے قادیانی کا عقیدہ صحیح ہے, پرویزی کا عقیدہ صحیح ہے. میں کہتا ہوں ان کے عقائد باطل ہے, لیکن سارے نہیں. جو یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے. یہ کہتے ہیں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تو واقعی محمد رسول ہے. اگر ان میں سے کوئی کہتا ہے قیامت قائم ہوگی تو واقعی قیامت قائم ہوگی. یہ باتیں میں قرآن کی وجہ سے مانتا ہوں, مرزا کی وجہ سے نہیں مانتا. میں نے علیم بذات صدور کی آیت پڑھی اور اس کے بعد میں نے کہا اس میں لکھا ہے دلیل قطعی سے ثابت ہوگا. مولوی صاحب تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تھانوی صاحب کے بزرگ دل کے حال جانتے تھے, گنگوئی صاحب نے جان لیا تھا, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اب سنو. کہتے ہیں جناب یہ ایک بزرگ کا واقعہ اپنے نقل کرتے ہیں, ان کے زکریا کاندھیلوی صاحب نقل کرتے ہیں میاں جی نور محمد کا قصہ. کہتے ہیں کہ جب میں میاں جی کے سامنے آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا میرے دل پر چنگاری رکھ دی گئی جس کو میں برداشت نہ کر سکا. اس کے بعد وہ چنگاری اٹھائی گئی. اب تک یہ حال ہے اندھیری رات میں مکان کے اندر سردی کے زمانے میں لحاف کے اندر منہ رکھنے کے باوجود باہر جو نیم کا درخت ہے اس کے پتوں کی حرکت تک معلوم ہو جاتی ہے. تائم مشہد چشم. یہ غیب کا علم ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ کی قسم اذا لم تستحی فاسنا ما شئت, حیا نہیں تو ہنسو. قرآن کی آیت کے خلاف عقیدہ بنایا ہوا ہے. قرآن کی آیت کے خلاف کہ جناب معلوم ہوتی ہے مسلسل کیفیت. کہتے ہیں کرامت اختیاری ہوتی ہے, کرامت مستقل ہوتی ہے. یہ اختیاری اپنی کیفیت بتا رہا ہے. سوانح قاسمی کے اندر بھی یہی عقیدہ کسی اور بزرگ کے بارے میں لکھا ہوا ہے. سوانح قاسمی کے اندر یہ دیکھیں, اس کے اندر لکھا ہے, کہتے ہیں مولانا طیب صاحب کہتے ہیں یاسین نام کے دو صاحبوں کا خصوصی تعلق تھا. ایک یاسین صاحب اپنے زنانہ یعنی عورتوں والے مکان کے حجرے میں یہ عورتوں کے پارشن میں ذکر کرتے تھے. مولانا حبیب الرحمان مؤتمن دار العلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں کشفی حالت دیوان جی کی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ باہر سڑک پر آنے جانے والے نظر آتے تھے, در و دیوار کا حجاب نہیں ہوتا تھا, سب نظر آتا. مستقل کیفیت, یعنی اس زمانے میں یہ حالت تھی. اب میں دکھاؤں گا کہ رسول کے بارے میں نہیں مانتے,
کہ رسول اللہ کو دلوں کے حال معلوم تھے, ان کے خلاف آیات پڑھتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے کہتے ہیں کہ بزرگوں کے سامنے جناب دل کو صاف رکھ کے جاؤ. بزرگ دلوں کے حال سے واقف ہوتے ہیں, در و دیوار کا حجاب ان کے سامنے درمیان ذکر کے باقی نہیں رہتا تھا. انہی دیوان جی کا مکاشفہ بھی ہے اور آگے باتیں نکل گئی ہیں. یہ دیوان جی کو ایسی کیفیت کہاں سے حاصل ہوئی تھی؟ مستقل کیفیت تھی. قرآن و حدیث پیش نہیں کیا. میں ایک اور آیت پیش کرتا ہوں, علیم بذات الصدور کی. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے, یہ جناب سورہ مائدہ کی آیت ہے, ان اللہ علیم بذات الصدور, آیت نمبر 7 ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی, انہ علیم بذات الصدور. جناب والا اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ, جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں, جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. ان کے مولوی سینوں کے حال جانتے تھے. یہ قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہے. چھوڑو بزرگوں کے اقوال کو, چھوڑو قرآن کے خلاف. الہاد اور زندگی ہے, زندگی ہے وہ شخص, ملحد ہے وہ شخص سرفراز کے بقول, جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کو مانے, اپنے بزرگوں کو مانے, اپنے بزرگوں کو مانے, قرآن و حدیث کے مقابلے میں ملحد اور زندیق, ملحد اور زندیق ہے وہ شخص. ایسی حرکتیں جواب نہیں ہوگا. آگے سنو, اللہ قرآن میں انہو علیم بذات الصدور فرماتا ہے, میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے, مزید سنو. اللہ رب العالمین سورہ نمل میں فرماتا ہے, آیت پڑھ چکا ہوں اور آگے اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید سورہ قصص میں فرماتا ہے, وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ, آیت نمبر 7. اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ, کہ اللہ تمام لوگوں کے سینوں کے حال نہیں جانتا. یہ کہتے ہیں بزرگوں کے بھی لوگ جانتے ہیں. جناب والا اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورہ لقمان آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے, اِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بھی جانتے ہیں. کوئی ایک آیت پڑھ جس سے ثابت ہو کہ تیرے بزرگ جانتے ہیں. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. دیکھیے بھائی, یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ قادیانی کی آیت صحیح, یہ نہیں کہا. ہاں یہ نہیں کہا, ٹھیک ہے نا. ہاں ان کی بعض باتیں صحیح ہیں, بالکل ان کی بعض باتیں صحیح ہیں. وہ کون سی بات صحیح ہیں؟ کشف باتیں ہمارے مطابق, کشف جو باتیں قرآن کے مطابق, یعنی کشف کا جو عقیدہ, کشف کا جو عقیدہ ہے, جو باتیں قرآن میں ہمارے مطابق, یعنی کشف کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق, وہ صدیق رضا صاحب کے نزدیک صحیح ہے, وہ صدیق رضا صاحب کے نزدیک صحیح ہے, وہ صدیق رضا صاحب کے مطابق صحیح ہے, جس کے مطابق. اچھا میں چپ کر لوں, میں چپ کر جاؤں؟ آپ بھی یہی کر رہے تھے, آپ بھی یہی کر رہے تھے, آپ بھی یہی کر رہے تھے. میں یہ نہیں کر رہا, توبہ کی. اب کر گئے, آپ یہ کر رہے تھے. نہیں روکنا, ٹائم نہیں روکنا, ٹائم نہیں روکے گا. آپ یہ کیوں کر رہے تھے؟ آپ یہ کیوں کر رہے تھے؟ آپ یہ کیوں کر رہے تھے؟ چلو چلو, ٹائم نہیں روکنا. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی روحانی خزائن کے اندر جو میں نے حوالہ دیا, انہوں نے جو آیت پیش کی اور جو تشریح پیش کی, اسی طرح کی تشریح کون پیش کر رہا ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے. غلام احمد قادیانی پیش کر رہا ہے. اگر جھوٹ ہے تو پڑھ کے سنا دینا بھائی ان کو. لیتا ہے لیکن پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی. روحانی خزائن لیتے ہیں لیکن پڑھنے کی ہمت نہیں. کیوں؟ کیونکہ بات وہی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے, عقیدہ وہی ہے قادیانیوں کا بھی جو انہوں نے بیان کیا ہے کشف والے معاشرے. تو قادیانیوں سے آج موافقت کن کی ہو رہی ہے؟ صدیق رضا صاحب کی. صدیق رضا صاحب کی, کیونکہ وہ کشف مانتے اور یہ بھی کشف مانتے. اسی طریقے سے کشاف معتزلہ, ان کا بھی کوئی عقیدہ نہیں, ان کا بھی کوئی عقیدہ, ان کا بھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا. کشاف والے کا بھی وہی عقیدہ ہے, معتزلہ کا بھی وہی عقیدہ ہے, جو کس کا ہے؟ صدیق رضا صاحب کا ہے. تو گمراہ فرقے جتنے بھی ہیں وہ صدیق رضا صاحب کی تائید میں اور صدیق رضا صاحب ان کی حمایت اور تائید میں کھڑے ہیں. باقی کفر کا فتویٰ کہتے ہیں کہ جی میں نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا, میں آپ کے بزرگوں کو کافر نہیں کہتا. الحمدللہ, چلو یہ بات ہوگا, لیکن ہمارے بزرگ کافر نہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو بات لکھی ہے کیا, کہ ایسے عقیدے کا, یعنی ایسا عقیدہ رکھنے والا کفری عقیدے کا حامل ہے. کس کا حامل ہے؟ کفری عقیدے کا حامل, ٹھیک ہے.
तो भाई ये कशफ का जो 41 ये 42 उलमा जो अकीदा रख रहे हैं, अल्लामा इब्ने तैमिया कह रहे हैं कि मुकाशफात को मानना अहले सुन्नत वल जमात के नजरिए और अकीदे के मुताबिक उसूलों में से है, तो वो क्या बन रहे हैं? कुफ्रिया अकीदे के हामिल बन रहे हैं। ये 42 के 42 कुफ्रिया अकीदे के क्या बन रहे हैं? काफिर बन रहे हैं। ठीक है, ये कुफ्रिया अकीदे के हामिल बन रहे हैं। तो भाई आपने लिख कर दे दिया है, अब आप इनकार कर रहे हो उस बात का, और कहते हैं कि जी मेरा ये जवाब है दावा, आप पढ़े जो गौल दायरा लगा हुआ है। भाई वो जो मैंने आपको दिया है वो दोबारा दो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो मैंने दिया है ना वो आपको, जिस पर आपके दस्तखत हैं, कोई कराची वाला जो मैंने आपको दिया है ना उसको देख लो, उसके अंदर साफ लिखा है उन्होंने। क्या लिखा है? जहाँ तक अम्बिया अलैहिस्सलाम की बात है तो हम इसके कायल हैं, अलबत्ता वलियों के बारे में जो थानी साहब ने लिखा है वो कुरान व सुन्नत के खिलाफ है, वो कुरान व सुन्नत के खिलाफ है। अम्बिया अलैहिस्सलाम को बज़रिया वही गैब का इल्म होता है, गैर नबी औलिया को कशफ या इल्हाम के जरिए गैब का इल्म हासिल होना साबित नहीं। तो देखिए गैर नबी इन्होंने ये नहीं कैद लगाई कि वो इस उम्मत के हों या पिछली उम्मत के, इन्होंने आम दावा जवाब दावा दिया है आम, जो इस पर जिन्होंने दस्तखत की, और ये जो इनके लिए क्या बना, गवारे जान बना था दावे जवाब दावा के अंदर ना, जो इन्होंने तीन घंटे लगा दिए इस पर दस्तखत करने के लिए। हमने कहा गया तो इसे रुजू कर लो, तो रुजू भी नहीं करते थे, और क्या कहा इन्होंने वहाँ कि भाई जो मैंने लिख कर दिया है ना वो भी इसके मुआफिक है, वो इसके खिलाफ नहीं है, जो मैंने लिख कर दिया है वो भी इसके मुआफिक है, खिलाफ नहीं है। जब खिलाफ नहीं है तो आपने यहाँ इस बात को माना है कि गैर नबी गैर अंबिया, अब चाहे वो इस उम्मत के हो या उस उम्मत, इसके अंदर तो इसकी कोई वजाहत नहीं है ना। जब इसके अंदर वजाहत नहीं है तो आप अब अगर तकसीस करते हैं तो अपने फतवे से खुद क्या बनते हैं? काफर बनते हैं, अपने फतवे से खुद काफर बनते हैं। बाकी हमारे अकाबिर भी, हमारे अकाबिर को जब आप काफर नहीं कह रहे, काफर नहीं कह रहे तो क्या है वो? मोमिन। और ये जितने भी वाक्यात आप उनके पढ़ रहे हैं वो क्या हैं? करामात के कबीले से। भाई करामात में क्या होता है? करामात में फिर अल्लाह का, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर बास चीज़ें जाहिर कर देते हैं। अब मुझे बताइए, इन्होंने आयत भी पढ़ी, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हम अहले सुन्नत वल जमात का ये नज़रिया और अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बाज़ गैब की बातें अपने बंदों पर क्या कर देते हैं? उनको मुत्तले कर देते हैं। भाई अल्लाह इस बात पर कादिर है या नहीं? कादिर है ना, आप लोग उसको मानते हो? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर है इस पर। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर है और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बाज बंदों को, जिस तरह मैंने आपके सामने मरियम, अब कहते हैं कि जी फल जो नजर आए तो नजर आने वाली चीज कशफ कैसे हो गई? भाई बेमौसम फल की बात चल रही है, बेमौसम फल आपको इधर नजर आ रहे हैं, इनको लगता है नजर आ रहे हैं, इनको बेमौसम फल नजर आने लगे, इसको नजर आए, ठीक है ना, इनको नजर आ रहे हैं बेमौसम फल, इसको नजर आए, ठीक है, इनको बेमौसम फल इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये कहते हैं कि बेमौसम फल नजर आते हैं। भाई बेमौसम फल अगर नजर आते हैं तो करामत कैसे हुई? हजरत मरियम की करामत कैसे हुई? और करामत को इनके अपने अब्दुल्ला नासिर रहमानी ने लिखा है कि कशफ किसके कबीले से है? करामत के कबीले से। कशफ किसके कबीले से है? करामत के कबीले से। जब कशफ करामत के कबीले से है और मरियम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेमौसम फल क्या कर दिए? मुनकशफ कर दिए, तो गैर नबी पर अल्लाह ने बात को मुनकशफ कर दिया। कुरान से ये बात साबित हो रही है, कुरान से ये बात साबित हो रही है। इसी तरीके से मैं आपके सामने ये तफसीर सनाई पढ़ रहा था, इसके अंदर ये आयत है सूरह तौहा की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि इद अवहैना इला उम्मिका मा युहा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत, ये इन्होंने लिखा है कि जब हमने तेरी माँ को वही की थी, यानी बज़रिया इल्का व इल्हाम सुझाया था कि उसको फिरौनी जुल्म और कत्ल से बचाने को संदूक में बंद करके दरिया में डाल दे, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अवहैना, हमने क्या किया? इल्हाम किया किसको? हजरत इधर देख लिया, आप पढ़ लीजिएगा अवहैना के अल्फाज, ठीक है, के क्या किया? बज़रिया इल्का इल्हाम सुझाया, बज़रिया इल्का इल्हाम सुझाया। ये कहते हैं कि इल्का इल्हाम और होता है, कशफ और होता है, अजीब बात है, आप पढ़ के आया करो ना, यहाँ सारी बातें आप कौन पढ़ाएंगे क्या, अजीब बात है। कहते हैं कि कशफ और इल्हाम और होता है, कशफ और होता है, इल्हाम और होता है, इल्हाम मानते कशफ नहीं मानते, अजीब बात है। ये देख लीजिए हाफिज़ ज़ुबैर रिज़ी साहब क्या लिखते हैं ना, हाफिज़ ज़ुबैर रिज़ी साहब फ़तावा इल्मिया के अंदर ये लिखते हैं,
खुलासा यह है कि कशफ भी मुतलक कशफ की बात कर रहे हैं। गैब दानी का एक नाम है और उम्मत मुस्लिमा में क़यामत तक किसी को कशफ या इल्हाम नहीं होता, कशफ या इल्हाम नहीं होता। जब कशफ और इल्हाम अलग अलग हैं, बकौल इनके ये तो उस्ताद है ना, इनके तो उस्ताद हैं, किसी को नहीं होता क़यामत तक। तो ये हजरत जो है मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को हो रहा है इल्हाम बकौल कुरान के, और हजरत मरियम को जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फल क्या कर रहे हैं, बेमौसम मुनकशिफ कर रहे हैं। चले इसी तरीके से ये तारीफ कर लीजिए ताकि मैं एक और आयत आपके सामने पेश कर देता हूँ। कशफ की तारीफ इनके अपने आलिम ने लिखी है कि मुकाशिफा, कशफ मुकाशिफा को कहते हैं जिसमें जन्नत दोजख मलाइका और आलम में गैर मुतनाई की बातें मकशूफ हो जाती हैं। आलम में गैर मुतनाई की बातें क्या हो जाती हैं, मकशूफ हो जाती हैं, यानी जन्नत की खबरें मलाइका की खबरें और आलम में गैर किताब तो नहीं, ठीक है, ये इनके अपने आलम की किताब है, ठीक है, अपने आलम की किताब। अब ये किताब हमारे पास ये देख लीजिए, ये मैं आपके सामने अभी चौथी आयत पढ़ता हूँ कुरान शरीफ से। अपनी गुफ्तगू पर थोड़ी सी तवज्जो इखलाक के दायरे में रहकर बात करें, लेकिन मुझे अगर इखलाक आप हाँ अगर आपको इखलाक नहीं आते तो कोई बात नहीं, चले मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाते हैं कि देखें भाई आयत नंबर हमारी 4 है, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ جب کہا انہوں نے فرشتوں نے کس سے حضرت مریم سے حضرت مریم سے کہا کس نے کہا فرشتوں نے ان کے اپنے عالم لکھتے ہیں کہ فرشتوں کا دیکھنا کیا ہے یہ کشف ہے فرشتوں کا دیکھنا کیا ہے کشف ہے حضرت مریم نبی تھی غیر نبی تھی غیر نبی تھی ان پر اللہ نے فرشتوں کو منکشف کر دیا حضرت مریم پر اللہ نے فرشتوں کو منکشف کر دیا یہ قرآن کہتا ہے بھائی قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن آپ نہیں مانو گے کیوں کیونکہ آپ آج ہم دوا ہوئے ہو قادیانیوں کی آج آپ تائید کر رہے ہو معتزلوں کی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام سب میں یہ بیچارہ کوئی آیت نہیں پڑھ سکتا اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب اللہ تم کو غیب کی اطلاع نہیں دے گا لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اطلاع دے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب والا اللہ اس امت کو منع کر رہے ہیں میں نے اس پرچے میں صاف لکھا تھا اور پچھلے مناظرے میں بھی کہا تھا کہ جناب ہمیں اس سے انکار نہیں لیکن اس امت کے اولیاء کرام کو غیب کی اطلاع کی بات چاہیے کشف و اعلام کے ذریعے سے اس امت کی یہ اس پہ بھی سائن ہے عبداللطیف کے بھی سائن ہے کرنا ذرا قریب فوٹو بنانا اس کی تو دونوں میرا قول ہے اب سنو کہتا ہے یہ دیکھیں جب میں یہ کر رہا تھا تو آپ رو رہے تھے ابھی یہی کر رہا ہے ابھی ٹائم نہیں روکو گے تو پھر کہہ تو رہے نا کہ یہ دیکھو کہتا ہے ہمارا اور دنیا کے تمام اہل عقل کا یہ اصول ہے پاگلوں کا نہیں اگر متکلم اپنے کلام کا کوئی مطلب بیان کرے اگرچہ وہ ایک گناہ بڑی نہیں کیوں نہ ہو تو اس کو مان لینا چاہیے تو میں تسلیم کرتا ہوں اصول یہ ہے کہ جناب اگر کوئی یعنی اپنے کلام کی توجیہ پیش کرے تو اس کو مان لینا چاہیے میں نے یہ لکھا ہے وہ پرچہ دکھائیے گا میں نے اس میں لکھا ہے اس میں یہ نہیں لکھا کہ پچھلی امت کو تو ہوتا ہے اور اب میں نے بدل دیا کہ پچھلی امت کو نہیں ہوتا ہے میری مراد وہاں بھی پچھلی امت کو نہیں تھی بلکہ میں نے انکار اس امت کے اولیاء کا کیا تھا اور یہاں بھی یہی کیا تھا اس میں ہاں بالکل تعارض نہیں ہے اس میں ٹکراؤ نہیں ہے اگر عبداللطیف اس میں ٹکراؤ ثابت کر دے ایسے نہیں جیسے بلا واسطہ کو کیا پھر پیچھے چھوڑ کے چلا گیا یہ لے لو لیکن کر نہیں سکے یہ تماشے گھبراہٹ میں کر رہا ہے حواس باختہ ہو گیا کیونکہ کہتا ہے جناب یہ کشف مانتے ہیں قادیانی وہ بھی کشف مانتے ہیں ابھی تو کشف مانتا ہے یا میں مانتا ہوں تو قادیانی تو اس حساب سے تنگ ہوئے نا حواس باختہ ہو گیا ایک شعر ہے شعر پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں شاعر نے کہا ہے کہ بھئی اب اس کی کیفیت ایسی ہو چکی ہے جیسے بک رہا ہوں جنوں میں کیا کہ آپ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہتا ہے یہ قادیانیوں جیسا عقیدہ ہو گیا اس کا وہ بھی کشف مانتے ہیں یہ بھی کشف مانتے ہیں میں مانتا ہوں یا آپ مانتے ہو تو پھر قادیانیوں جیسے تو آپ ہوئے ہو بے موسم پھل نظر آئے زکریہ اور مریم کو مریم پچھلے امت کی تھی اور زکریہ نبی تھے نبی سے تو انکار نہیں ہے پچھلی امت سے انکار نہیں ہے کہتا ہے میری آیت نمبر 4 ہو
उम्मे मूसा वाली आयत पढ़ी, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा इस उम्मत की थी, नहीं पिछली उम्मत की थी, इस उम्मत की। क्योंकि आप कहेंगे इस उम्मत क्यों कर रहे हो, मैं कहता हूँ मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, सूरह आले इमरान में अल्लाह ने इस उम्मत से नफी की है, पिछली उम्मत से नफी नहीं की अल्लाह ताला ने। कहता है ये वो मतलब बयान कर रहे हैं जो कादियानी बयान कर रहे हैं। सरफराज सफदर ये क्या मास्टर भी नकार दी, ये कादियानी है, इसने भी तो बोला है शायद का यही मतलब है कि रसूल के अलावा किसी को नहीं होता है, इसने भी तो बोला है। सफा नंबर 438 ये अनवर अशरफ थानवी बिला वास्ता कहते, बिला वास्ता कुरान शरीफ है भाई, बिला वास्ता इसने भी यही मतलब किया कि रसूल के अलावा किसी को नहीं, ये कादियानी है। तफसीर नफसी ये कादियानी है, और जनाबे वाला तफसीर बेजावी ये कादियानी है। ये हवाले मैं आपके सामने पढ़ चुका हूँ, ये इसका असल में सारा क्या है, आयत का जवाब नहीं दे सकता और मान भी नहीं सकता, तो इस वजह से क्या कर रहा है, घुमा रहा है लोगों की, ये तो कादियानियों का अकीदा है। बाबा सूरह आले इमरान आयत नंबर 179 कादियानियों की है, ये कादियानियों की है। ये मिर्जा कहता है मिर्जा की इबारत पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही, इसके नजदीक मिर्जा की इबारत ना भी कुरान की आयत हो गई नऊज़ बिल्लाह। भाई आपके नजदीक इतनी अहमियत होगी, मेरे नजदीक नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ वो लिखता है पिछली उम्मतों को जो मिला ये भी मिला, अब अगर वो इनकार कर दे तो मुझे उससे क्या सरोकार, वो तो वैसे ही काफिर शख्स है, खत्म नबूवत का मुनकर। अब्दुल्ला नासिर रहमानी की बरत पेश करते हैं, अब्दुल्ला नासिर ने कहा आम तौर पर विलायत और कशम का दावा करते हैं लेकिन हकीकत में वो काहिन हैं, शयातीन के भाई हैं, विलायत से उनके दूर का भी वास्ता नहीं। सफ़ा नंबर 360 के अंदर इसी किताब तौहीद इलाही आलमीन में फरमाते हैं क्योंकि वो इनके आलिमुल गैब होने का कुफरी अकीदा रखता है, ख्वाह इस अकीदे की बुनियाद इल्हाम पर हो या शैतानी इल्का पर हो, यानी अगर अकीदा इल्म गैब की बुनियाद इल्हाम पर हो तब भी खुलासा कलाम यह है कि काहिन और साहिर बवजाए इद्दाए इल्म गैब काफिर हैं, और इनकी तस्दीक करने वाला बवजाए इनकी गैब दानी के तस्दीक करने के काफिर है। 360-362 में लिखते हैं जनाबे वाला हालांकि इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह ताला का खजाना है, फिर उसके बाद आगे चल के लिखते हैं कि आपने आपको वली कहा, उसकी दलील ये पेश करें कि वो बहुत सी गैबी खबरें बता सकता है, तो वो शैतान का वली है, रहमान का वली हरगिज नहीं। मेरे पास शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी के सवाल और जवाब की कैसेट मौजूद, आवाज मौजूद है, रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो साफ कहते हैं जन्नत जहन्नम का कशफ मैं नहीं मानता, रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं सुनवा सकता हूँ। ये देखिए इसके अंदर ये डोरी लगी हुई है, ये हवाला है, तो इसको निकाल कर आप पढ़ लीजिए, इसके अंदर उन्होंने साफ कहा है। फिर कहता है अल्लाह दे सकता है, यानी खुद आयत पड़ी थी, मैं बताता हूँ। ये कहते हैं पांच चीजों का इल्म अल्लाह दे भी सकता है या नहीं, ये नौमानी फतूहात नौमानिया मौलाना इनके जनाबे वाला रईसुल मुहद्दिसीन वल मुतकल्लमीन हज़रत मौलाना मोहम्मद मंसूर नौमानी कहते हैं इन पांच चीजों का इल्म अल्लाह दे भी सकता है या नहीं। कहते हैं इसका जवाब यह है कि अल्लाह हमारे नजदीक जरूर इस पर कादिर है इन चीजों का इल्म किसी को दे दे, लेकिन हमारा और हमारे सलफ सालीन का अकीदा यह किसी को दिया नहीं और न देगा, दिया नहीं और न देगा। क्यों? क्योंकि उसने उलूम कुरान अज़ीज़ अपने साथ खास बतलाया, उलूम को किसके साथ खास बतलाया, अपने साथ। तो सूरह आले इमरान की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्मे गैब को किसके साथ खास बतलाया, रसूलों के साथ, रसूलों के साथ इत्तला इल्मे गैब को, कि गैब की इत्तला किसको देगा अल्लाह ताला, रसूलों को, और किसी को नहीं देगा। नबी रसूल एक ही हैं, मेरे नजदीक इसमें कोई फर्क नहीं, फर्क साबित करने वाले कोई दलील भी नहीं दे सकते। तो जनाबे वाला नबी और रसूल अगर आप कहते हैं तो फिर भी मैं कहता हूं मैं नबी की नफी नहीं करता, मैंने पहले उस दिन भी पहले मुनाज़रे में कहा था ये टाइम जाया करने वाली बातें। तो जनाब अल्लाह ने नफी की है इसलिए ये कहते हैं कि अल्लाह देगा नहीं। वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, कुदरत की बात कर रहे हो, अल्लाह ने फल दिए थे, ये फल से गैब साबित कर रहा है, और फल दिखाए किसको, ज़करिया को जो नबी थे, और दिखाए किसको, जो मरियम पिछली उम्मत के थे। कहता है इस पर्चे में उस पर्चे में तजाद साबित करूंगा, दोनों पर्चे लिए तजाद साबित नहीं कर सकता है। उसके बाद कहते हैं जो तशरीह इसने की है वही कादियानी ने की है, तो कादियानी की है तशरीह दिखाओ, जो सरफराज खान सफदर ने की है, जो अमीर उमरवी ने की है, जो नसरी साहब ने की है, जो इसने, मैंने कहा इस आयत में अली मुबिन साद सुदूर के बाद लिखा हुआ है कि जनाब दलील कतई से साबित हो, तुमने कौन सी दलील कतई से साबित किया कि औलिया को इल्म गैब होता है, इस उम्मत के औलिया से अल्लाह ने नफी की है, इस उम्मत के औलिया का इस बात दिखाओ, इस उम्मत के औलिया का सारा मसला इस उम्मत की औलिया का है। तुम कहते हो मैंने इतनी आयतें पढ़ी, आयत मौजू के मुताबिक ही नहीं है क्योंकि ये पिछली उम्मत से मुतालिक है ही नहीं, जब मैंने पिछली उम्मत का पहले ही इकरार करके लिख के दिया हुआ है तो बहस तो इस पर नहीं है, क्योंकि बहस उस चीज पर होती है जिसमें हमारा
اور آپ کا اختلاف ہو. یہ تو میرا عقیدہ پہلے ہی تھا, آپ کا بھی ہے, تو پھر اس پر بحث نہیں ہے. بحث جس عقیدے پر ہے وہ یہ ہے کہ سمت کے اولیاء کو اللہ غیب کی اطلاع نہیں دے گا. سورہ آل عمران کی آیت سے میں نے ثابت کیا. اس کے علاوہ میں انشاءاللہ احادیث بھی پڑھوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, لیکن میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ نبی کو تو غیب کی اطلاع ہوتی ہے لیکن ان کے بزرگوں کو بھی. جس کام کا نبی کے لیے منع کرتے ہیں وہی کام جو ہے اپنے بزرگوں کے لیے مانتے ہیں. میں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ منافق ہیں مدینہ کے اندر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے, اللہ ان کو جانتا ہے, ہم ان کو جانتے ہیں, اللہ رب العالمین ان کو جانتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا, تو بھائی منافق کو نہیں جان سکے تھے. لیکن اب سنو یہ ان کے رشید احمد گنگوئی صاحب کے بارے میں, اللہ منافق نبی منافقین کو نہیں جان سکے تھے. یہ اس طرح کی حرکتیں توجہ بانٹنے کے لیے کرتے ہیں, آپ میری طرف توجہ رکھیں. اگر بنظر کشف و فراست حضرت کو معلوم ہو جاتا کہ نظر دینے والا خود حاجت مند ہے تو اس کا نظرانہ اس طرح رد فرما دیتے کہ نظر دینے والے کو گرا نہ گزرے. ایسا امر کاتب الحروف کے سامنے بھی پیش آیا ہے. اسی طرح مرائی یعنی ریاکار اور غیر معتقد جس کا حضرت پر عقیدہ نہ ہو اس کا نظرانہ قبول نہیں کرتے تھے, البتہ مخلصین کا بطیب خاطر قبول کرتے تھے. اللہ منافق کو نہیں جانتے تھے. رشید احمد گنگوئی کے پاس آنے والا تحفہ دینے والا ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ میرا مخلص ہے یا یہ ریاکار ہے یا میرا غیر معتقد ہے, اس کو پتہ چل جاتا تھا. عقیدہ دل کے اندر ہوتا ہے, جب تک بندہ زبان پر نہ لائے پتہ نہ چلتا. ریاکاری دل کا معاملہ ہے, ظاہر میں نماز پڑھ رہا ہے دل میں ریاکاری ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ. گنگوئی کو ریاکار کا بھی پتہ چل جاتا, میرے نبی کو منافق کا نہیں پتہ تھا. اس گنگوئی کو گنگوا کے انڈیا کے مولوی کو اللہ کے رسول سے بھی بڑھ گیا, اس کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس آنے والا میرا مخلص ہے یا منافق. منافق مخلص نہیں ہوتا ہے. اللہ کے بندے سبحان اللہ کہتے ہو, شرم کرو نبی کے لیے جس بات کی نفی کرتے ہو, بزرگ کے لیے اس بات کا اثبات کرتے ہو, شرم کرو کہتے ہو سبحان اللہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام.